हाँ जी फ्रेंड्स क्या हाल चाल वेलकम विथ कृतिका साहु तो फाइनली मैडम एंड चबूतरा इन दोनों ने अपने बेटे एंड भतीजे का बर्थडे व्लॉग का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है जो कि मैंने पहले भी कहा था कि टुकड़ों में आपको देखने को मिल ही जाएगा तो इनका व्लॉग अपलोड हो गया है एंड आई नो कि बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा तो खैर ये सब तो हो जाने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग uh, चीज़ जो चबूतरा के ब्लॉग में देखने को मिली एंड सबसे अलग तरीके का वो था कि उसने जो गिफ्ट दिया एंड यहाँ पे इस गुटका किंग को चलो आज गुटका किंग छोड़ करके आज उसे प्रॉपर फनी बोल देते हैं बिकॉज़ फ़नी ने अच्छा काम किया जो गिफ्ट उसने अपने भतीजे को दिया वो सच में काबिल तारीफ़ था बिकॉज आप बच्चे को खिलौने कपड़े या फिर चॉकलेट्स वगैरह ये सब कुछ दोगे तो वो उतना वैल्यूएबल मतलब नहीं होता है जितना कि वैल्यूएबल ये चीज़ होगी जो कि फ़नी ने अपने भतीजे को दिया इसने अपने भतीजे के नाम से जा कर के कुछ डोनेशन किया समथिंग ट्वेंटी थाउजेंड और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इस तरह से कुछ इसने कहा उतना डोनेशन किया एंड फिर मस्जिद में जा कर के फिर मदरसा में जा कर के बच्चों को राशन पानी ये सब कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब कुछ जा कर के डोनेट किया डोनेशन किया जा कर के एक तरह से चैरिटी की तो वो अच्छी चीज़ थी एंड इसने अपने भतीजे के नाम से की ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि चलो अपने भतीजे के नाम से किया कि उसे आगे लाइफ में इस चीज़ का थोड़ा सा पुण्य मिले इनके इनके लैंग्वेज में शायद उसे सबाब कहते हैं कि सबाब मिले तो वो अच्छी बात थी क्योंकि अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हो सिर्फ गरीब ही नहीं किसी भी ज़रूरतमंद की अगर आप मदद कर रहे हो तो उसका फल कही न कहीं ना कहीं मान लीजिए प्रेजेंट में आपको ना मिले लेकिन फ़्यूचर में मिलता ही मिलता है और अगर ना भी मिले तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप इसीलिए करो ताकि उसका रिटर्न आपको मिल सके नहीं आप अपनी खुशी के लिए कर सकते हैं सामने वाले की खुशी के लिए कर सकते हैं तो ये चीज़ चलो फ़नी ने की वो बहुत अच्छी की बट इस चीज़ को कैमरे पे दिखाना ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा बिकॉज यही सेम चीज़ जनाबन मैडम भी करना चाह रहे थे उन्होंने भी कहा अपने व्लॉग में कि हम भी डोनेशन करना चाह रहे थे ज़रूरतमंद को कुछ देना चाह रहे थे बच्चों को कुछ खिलाना चाह रहे थे बुक्स देना चाह रहे थे कॉपीज़ ये सब कुछ देना चाह रहे थे बट क्या हुआ कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई जिनसे उन लोगों ने बात की वो उन लोगों ने इन्हें एक पर्टिकुलर जगह डिसाइड करके बता दी कि इसी जगह से आप बुक लो इसी जगह से आप कपड़े लो इसी जगह से आप बाकी खाने पीने की चीज़ें लो एंड फिर हमारे स ला करके दे दो तो जनाब एंड मैडम को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई इस वजह से उन लोगों ने ये चीज़ नहीं की लेकिन ऑन दी अदर हैंड रूहान के फूफा और फूआ ने इस चीज़ को किया एंड करने के बाद इसे कंटेंट बना करके वापस से जितना दिया था उतना वसूल भी लिया एंड आई डिडेंट थिंक कि ये फ़नी का आइडिया होगा कि इस चीज़ को हम कॉन्टेंट बनाएं बिकॉज थो थोड़ वो थोड़ा पैसे के पीछे भागता है लेकिन जिस तरह से उसने ये सोच दिखाई ये चीज़ सोचा तो मुझे नहीं लगता था कि वो इस चीज़ को कंटेंट के थ्रू यूज़ भी करेगा आई नो कि ये आइडिया ज़रूर चबूतरा का ही होगा कि इसे एज अ कंटेंट हम यूज़ करते हैं एंड फिर जितना हमने दिया है उसका चार गुना हम वसूल कर ही लेंगे तो अगर आप कुछ अच्छा काम कर भी रहे हो तो उसे दिखाने की क्या ज़रूरत है मुझे ये बात समझ में नहीं आती जनाब ने भी डिस्ट्रीब्यूट किया ये अलग बात है कि फ़नी ने रूहान के नाम से पैसे दिए चैरिटी में ताकि उसे उसका थोड़ा सा फ़ायदा हो पुण्य मिल सके जनाब ने खाने पीने की चस, जो चीज़ें हैं वो सबको जाकर के डिस्ट्रीब्यूट किया गरीब बच्चों में एंड उसे प्रॉपर कंटेंट की तरह यूज़ किया मतलब बाइक पे ये लोग जा रहे हैं उतने सामान के साथ फिर भी कैमरा इनके हाथ में चालू ही रहता है तो अगर अच्छा काम भी करना है तो उसे भी प्रॉपर वे में शूट कर कर के व्लॉग बना कर के दिखाना है ताकि हम जितना खर्च कर रहे हैं उसका चार गुना हम वसूल कर भी सके। तो ये है इनकी घटिया हरकतें जो मुझे समझ नहीं आती अगर आप कुछ अच्छा काम कर भी रहे हो तो उसे दिखाने की क्या ज़रूरत है अगर ये लोग सिर्फ मुँह से बोल ही देते मान लो कि इनके भी चाहने वाले बोलेंगे कि अगर वो नहीं दिखाते तो आप लोग बोलते हैं कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया ये नहीं किया वो नहीं किया तो चलो इनके चाहने वाले की बात ही हम मान लेते हैं कि आप दिखाने के बजाय मुँह से बोल देते तो आपके तो खैर इतने अंधभक्त हैं कि वो विश्वास कर लेते कि हाँ आपने ये चीज़ की होगी जाहिर सी बात है कि अगर आपने किया होगा तो किसी न किसी ने तो आपको देखा ही होगा ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई जो आपके फ़ैन हैं वो मुंबई से बाहर ही रहते होंगे मुंबई के भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि इनके फ़ैन होंगे तो ये लोग तो मुंबई में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेंगे तो तो कोई ना कोई तो इनको देख ही लेगा एंड अगर देख लेगा तो जाहिर सी बात है कि कमेंट करके ज़रूर कहेगा कि हाँ हमने देखा था कि जनाबन मैडम ने ये सारी चीज़ें की थी तो अगर ये मुंह से बोल भी देते कि हम ये चीज़ करने का सोच रहे हैं एंड हमने किया लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते जस्ट बिकॉज कि ट्रोलिंग के वजह से या फिर सम सम रीज़न्स हम दिखाना नहीं चाहते तो लोग विश्वास कर लेते लेकिन इनको दिखाना कंपल्सरी था ताकि ये उस चीज़ को एज अ कॉन्टेंट घींच सके एंड फिर उससे पैसे छाप सके तो अच्छा काम करो तब भी दिखाओ पुण्य का काम करो तब भी दिखाओ और गलत करते हैं तो वो तो खैर दिखाते ही दिखाते हैं तो व्लॉगिंग में दिखाना एकदम ज़रूरी है इनके लिए उसके अलावा इनका तो खैर कोई काम चलता ही नहीं तो ये सारी चीज़ें तो दिखी थी जनाब के भी व्लॉग में एंड साथ ही साथ चबूतरा के भी व्लॉग में इवन चबूतरा ने अच्छे खासे गिफ्ट दिए अपने भतीजे को एंड एक चीज और जिस तरह से मैडम साहिबा का बिहेवियर है अपनी माँ के साथ में एटलीस्ट चबूतरा वैसा बिहेव तो नहीं करती अपनी माँ के साथ में बिकॉज चबूतरा के ब्लॉग में देखने को मिला कि वो अपनी मम्मी को पर्टिकुलरली नेक्स्ट डे ले कर गई किस लिए जस्ट बिकॉज कि उन्हें गिफ्ट्स खरीदने थे अपने बेटे और पोते के लिए तो इस वजह से चबूतरा अपने साथ अपनी माँ को लेकर के गई गिफ्ट्स भी खरीदवाया एंड खरीदवा करके फिर उन लोगों ने रूहान के बर्थडे के दिन उन दोनों को दे दिया तो कम से कम वो अपनी माँ का इतना तो केयर करती है ना मतलब मैडम साहिबा की तरह नहीं है कि जो अपनी माँ की तारीफ तक ढंग से नहीं कर पाती इवन पूरी दुनिया के सामने कहती है कि मेरे ब्लैक पैचेस जुड़े हुए हैं तो जब मैडम खुद ही अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि जनाब ए उनकी फ़ैमिली नहीं ही करेंगी बिकॉज़ जब आप खुद अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे हो तो सामने वाला आपके माँ बाप की इज़्ज़त क्यों करेगा लेकिन यही सेम चीज़ जनाब ने प्रॉपर वे में की है मतलब वो बात कहने लायक है कि हाँ जनाब ने अपने मम्मी पापा की इज़्ज़त शुरू से की है एंड मैडम से भी करवाई है इसीलिए मैडम के अधिकतर ब्लॉग में आप देखते रहोगे कि वो बोलेगी अम्मी ऐसी अम्मी वैसे अभी लास्ट वाले में भी उसने कहा था कि अम्मी ने बड़ा सपोर्ट किया अम्मी ने ऐसे किया अम्मी ने वैसे किया जबकि अम्मी ने कुछ भी नहीं किया जो कुछ भी किया इसकी मम्मी ने किया चौबीसों घंटे इसकी मम्मी अवेलेबल रहती है इसके साथ ना कि अम्मी अवेलेबल रहती है लेकिन फिर भी इसके लिए अम्मी महान है मम्मी महान नहीं है तो इसी रीजन्स के वजह से जनाब नहीं उतना ये करते हैं अपने सास ससुर की जितना कि उनको करना चाहिए जितना प्यार करना चाहिए जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए बिकॉज मैडम सही मई नहीं देती लेकिन ये सारी चीज़ें चबूतरा एंड जनाब में है कि वो लोग अपने माँ बाप की केयर तो खैर करते हैं दिखावे के लिए ही सही व्लॉगिंग के लिए ही सही लेकिन करते हैं जब अम्मी को ज़रूरत थी कि उन्हें मार्केट जा कर के गिफ्ट खरीदना है तो चबूतरा उन्हें अपने साथ लेकर के गई प्रॉपर वे में खरीदवा भी दिया एंड फिर वापस से घर लेकर के भी आ गई तो ये सारी चीज़ें समझ में आती है देखने में लगती है कि हाँ ये लोग अपने माँ बाप की केयर करते हैं कंपेरिजिंग टू मैडम साहेबा तो बस खैर यही सब थी इनकी नौटंकी इनके ब्लॉग में चलिए ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करेंगे आई होप आपको आज का पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे तो खैर ये तो है इनकी हरकतें जो इनके व्लॉग में साफ़ नज़र आती है तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे तब तक के लिए अपना ध्यान रखें हैव अ नाइस डे बाय